द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में हुए हादसे में 36 लोगों के मौत के बाद फाइनली मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और उनका प्रशासन जगा है। अब एक्टिवनेस इस कदर हुई है कि धार्मिक स्थानों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर दी गई। जैसे गुंडे बाहुबलियों पर दबिश देने के लिए भाजपा सरकार अक्सर अपने राज्यों में बुलडोजर का प्रयोग करने लगी है, ठीक उसी तरीके से उस मंदिर में जब हादसे हो गए, 36 लोगों की मौत हो गई, तब यह प्रशासन बुलडोजर लेकर मंदिर को तोड़ने पहुंची है, खास करके अवैध एरिया को। मंदिर परिसर में जितने भी अवैध निर्माण हुए हैं उन सबको तोड़ने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई मध्य प्रदेश में शुरू कर दी गई है। इंदौर के बेलेश्वर मंदिर में रामनवमी के दिन बावड़ी की छत धस जाने की वजह से उसमें कई लोग समा गए और 36 लोगों की मौत हो गई। जब प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला रहा था तो उस वक्त भी कमजोर रस्सी ऐसी थी कि वो एक महिला पकड़कर निकलने की भी कोशिश कर रही थी तो वो रस्सी टूट गई थी। तो जरा सोचिए, रामनवमी में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन को याद आया है कि ऐसे बावड़ी कुएं को ढकवाना है या फिर मंदिर के आसपास या मंदिर परिसर में जो अवैध निर्माण है उसको तोड़वाना है। क्या यह काम पहले नहीं हो सकता था? प्रशासन मुस्तैदी अगर दिखाती, अगर मोदी जी के कार्यक्रम की तैयारी में मुख्यमंत्री और पूरा प्रशासन व्यस्त नहीं होता तो क्या ऐसे हादसों से बचा नहीं जा सकता था? ये सवाल उठने लगे। इस रिपोर्ट में बात तो यहाँ तक सामने आई है कि एक भाजपा नेता के हस्तक्षेप के चलते यहाँ पर जो खोखली चीजें थी या फिर बावड़ी थी उसे पक्का भराव नहीं किया गया और जिसके कारण रामनवमी आते आते इतना बड़ा हादसा इस मंदिर परिसर में हो गया है। पूरी डिटेल हम आपको बताने जा रहे हैं, दैनिक भास्कर ने ही जानकारी दी है। आप अपने स्क्रीन पर जरा दैनिक भास्कर की खबर देखिए, इसमें हेडलाइन में भी है, 36 मौतों के बाद इंदौर के बेलेश्वर मंदिर पहुंचा बुलडोजर, नगर निगम ने अतिक्रमण हटाया, 3 और धार्मिक स्थलों पर एक्शन हुआ है। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन देर से जगता है। उसे तब पता चलता है जब लाशें बिक जाती हैं तो लगता है कि यहां पर कुछ गलत है और अब इस पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार अगर चाहती तो समय रहते इतने खौफनाक हादसे को रोक सकती थी। जिस तरीके से मोरबी ब्रिज हादसा गुजरात में हुआ था वहां भी लापरवाही सामने आई थी। जिस घड़ी बनाने वाली कंपनी को मेंटेनेंस का काम दिया गया था, अगर उसकी जांच पड़ताल हो गई होती और साथ ही साथ मोरबी ब्रिज को दोबारा शुरू करने से पहले उसमें देख लिया जाता कि काम सही हुआ है या नहीं, तो शायद उस वक्त भी हादसे से बचा जा सकता था। लेकिन उस घटना के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार कम से कम सबक ले लेती, ऐसा नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, उनके गृह मंत्री, हर कोई संघ के कार्यक्रम के लिए, मोदी जी के कार्यक्रम के लिए व्यस्त रहे, उनके सजावट में शोभा में कोई कमी ना आ जाए उसे देखने में व्यस्त रहे। और जब 36 मौतें हो गई और आगे मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, तब इस सरकार को लगा कि ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए अब बुलडोजर लेकर जाना जरूरी हो गया है। उस मंदिर से जुड़े कई ऐसे मामले सामने आए, जानकारी सामने आई है जिसे दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की है, वो भी हम आपको बताते हैं। इसमें जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में नगर निगम ने सोमवार सुबह बेलेश्वर मंदिर का अवैध निर्माण वाला हिस्सा तोड़ दिया। रामनवमी के मौके पर इसी मंदिर में बावड़ी की छत धसने से 36 लोगों की मौत हुई थी। अतिक्रमण हटाने के लिए सुबह 6 बजे से ही नगर निगम का अमला मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। जब इस अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ तो इसका विरोध करने वाले हिंदू संगठन भी पहुंच गए थे और वो चाह रहे थे कि ये ना टूटे। अगर इसे नहीं हटाया जाता तो भविष्य में और भी हादसे हो सकते थे। लेकिन धार्मिक मामला है, विवाद तो खड़ा होना ही था, तो बजरंग दल वाले और अलग अलग हिंदू संगठन के लोग वहां जमा होकर विरोध करने लगे। जो जानकारी आई है उसके मुताबिक मंदिर का अतिक्रमण हटाने के विरोध में बजरंग दल और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया। मंदिर के बाहर पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। प्रशासन ने ढक्कन वाला कुआं, सुखलिया और गाडरा खोरी में भी धार्मिक स्थलों के अतिक्रमण को हटाया। वैसे तमाम जगह जहां पर अगर कुआं थे, बावड़ी थे और उन सब पर मंदिर परिसर का जो अतिक्रमण हो रखा था, जो लग रहे थे कि ढके हुए हैं, वास्तव में खोखले थे, उन सब पर भी कार्रवाई की गई है और उसे चिन्हित कर लिया गया है। जो जानकारी सामने आई थी बावड़ी हादसे से जुड़ी हुई कि उस छत पर जो बावड़ी की छत थी वो टाइल्स की थी,
जिस पर दबाव बढ़ा और टूट गया। पहले भी लोग उस पर खड़े हो जाते थे, लेकिन जब कम संख्या में लोग आते थे तो फिर उस पर दबाव कम पड़ता था। जैसे ही रामनवमी की आरती के दिन भारी संख्या में लोग आए, वह बाबरी का जो छत था वो दबाव नहीं झेल सका और वो छत गिर पड़ा, जिसके बाद एक के बाद एक कई लोग उसमें समाते चले गए और कई की जानें निकल गई। 36 लाशें निकली, 36 मौत हो गई और कुछ लोगों को बचाया भी गया। अब कुछ तस्वीरें भी अपने स्क्रीन पर देखिए। इसमें है ये गाडरा खोरी धार्मिक स्थल पर दुकान बना रखी गई थी, जैसे ही दुकान को हटाया वहां बाबरी का रास्ता निकल आया, रास्ता देखिए मिल गया, नहीं तो इसके ऊपर दुकान था, अगर उसमें लोग गिरे थे तो उस होकर के निकल सकते थे। अब यह सामने आया है, नगर निगम ने यहां से तत्काल अतिक्रमण हटा दिया है। कई तस्वीरें दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की हैं। हम आपको कई ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं जो अतिक्रमण के हिस्से में आई थी और बुलडोजर की कार्रवाई उन सब पर हुई है। इसमें देखिए बताया गया है कि इंदौर में नगर निगम ने सोमवार सुबह कई धार्मिक स्थलों से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान बेलेश्वर महादेव मंदिर से भी अतिक्रमण को हटाया गया। ये तस्वीर उसी की है जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे थे। दूसरी तस्वीर में कुछ लोगों की भीड़ दिखाई पड़ रही है, प्रशासन की टीम भी वहां पर है। इसमें बताया जा रहा है कि नगर निगम ने बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर के अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई शुरू की तो विरोध में आसपास के कुछ लोग पहुंच गए। उन्हें अफसरों ने समझाइश देकर शांत कराया तो कुछ लोग शांत हो गए, लेकिन बजरंग दल वाले प्रदर्शन करने के लिए उतर गए। अगली तस्वीर जब आप देख रहे हैं तो इसमें मंदिर के अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई की तो नगर निगम के विरोध में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। तो ये सारी तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं जिसमें मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार मौतों के बाद एक्टिव हुई है और ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। लेकिन धार्मिक स्थलों पर जब बुलडोजर चलाया जाता है तो ऐसे में हिंदू संगठनों को जिस तरीके से तकलीफ हो रही है, ठीक उसी तरीके की तकलीफ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भी होती है जब मुसलमानों के मदरसे को, मस्जिद को टारगेट करके उस पर बुलडोजर चलवाया जाता है। ठीक इसी तरीके की पीड़ा अभी हिंदू संगठन के लोग महसूस कर रहे हैं। दैनिक भास्कर ने 3 महत्वपूर्ण पॉइंट भी बताए हैं, वो जरा देखिए कि अवैध कब्जे किस तरीके से इस मंदिर पर किए गए। मंदिर से जुड़े लोग बताते हैं कि कुएं का भराव किया ही नहीं गया। मंदिर पुराना है या पहले बहुत छोटा था, करीब 25 साल पहले इसके विस्तार की योजना बनी, बाबरी बंद करने का फैसला किया गया, ट्रस्ट ने बाबरी का भराव नहीं किया और सिर्फ गर्डर और फर्सिया डाल दी, इस पर टाइल्स लगवा दी गई, यानी जहां लोग रोज दर्शन के लिए खड़े हो रहे थे वहां नीचे जमीन खोखली थी। यहीं पर रामनवमी पर आरती के दौरान भीड़ जुटने से हादसा हुआ। अब बाबरी के खोखले इलाके के पास भी अवैध निर्माण कर दिया गया, जहां पर इलाके खोखले थे नीचे से, उस पर भी देखिए जानकारी है कि जिस बाबरी को वर्षों पहले बिना भरे पैक किया गया उसी के पास 2 साल पहले नया निर्माण भी शुरू कर दिया गया। नगर निगम ने इस अवैध निर्माण पर आपत्ति ली लेकिन कार्रवाई नहीं की। जो तीसरा अहम पॉइंट है वो देखिए, राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण कार्रवाई टलती रही। नगर निगम ने बाबरी को लेकर कभी नोटिस दिया ही नहीं, उसने नए निर्माण को अवैध मानते हुए रोकने के लिए कहा लेकिन कार्रवाई नहीं की। इसके पीछे एक बड़े भाजपा नेता का राजनीतिक दबाव था, यह बात अफसर स्वीकार कर रहे हैं, यानी किसी बीजेपी नेता के दबाव के चलते ही इतनी बड़ी घटना घट गई, ऐसा भी संभव है। लेकिन अब भाजपा सरकार जगी है तो ऐसे अतिक्रमण वाले एरिया पर, धार्मिक स्थलों पर बुलडोजर ले जाकर कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।